हेलो एवरीवन, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते थे और दोस्तों इस समय आप अपनी कंपनी में काम छोड़ दिए हैं और दोस्तों अगर आपकी कंपनी में काम छोड़े 2 महीने से ऊपर हो चुका है तो इस केस में आप अपने पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने की सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे? अगर आपकी कंपनी ने आपका रिजाइन डाल दिया है, रिजाइन अपडेट कर दिया है, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया है तो तब तो ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं किया है तो कैसे आप घर बैठे अपने इसी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से दोस्तों अपने पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, रिजाइन दिखा सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने मेंबर सेवा पोर्टल पर सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पर मैनेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप जस्ट नीचे देखेंगे मार्क एग्जिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे दूसरे पेज पर। दोस्तों अब हम यहाँ पर दूसरे पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर आपको पूछ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आप तो अपनी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 3-4 कंपनियां शो हो रही हैं। इनका यहाँ पर ऑलरेडी डेट ऑफ एग्जिट पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने इस एक कंपनी बची हुई है, इसका हमको एग्जिट डालना है तो हम इस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, आपकी कंपनी का नाम भी दिखाएगा। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर दिखाएगा। जो आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा उसकी डेट यहाँ पर दिखाएगी, उसका मंथ दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट आप डेट पे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा डेट डालना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं एकदम सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, 101% ट्रिक। अगर आपको पता नहीं होगी तो यहाँ पर दोस्तों मंथ का आखिरी जो है डेट डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर जून दिखा रहा है तो हमने यहाँ पर 30 जून डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आगे सिलेक्ट और रीजन पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, रीजन सॉर्ट ऑफ सर्विस का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो OTP भेजा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल OTP भेजा जा चुका है। तो इस वाले ऑप्शन पर हमको यहाँ पर OTP फिल करना होगा। चलिए हम यहाँ पर अपना OTP को अपने मोबाइल से निकाल करके फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने OTP को जो है फिल कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर चेकबॉक्स लगा देंगे। चेकबॉक्स लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आप श्योर हैं, सही है, डिटेल भरे हैं तो ठीक है। हम यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुल। यहाँ पर दोस्तों आपका रिजाइन सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो चलिए हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पर नीचे वाले जो सेक्शन दिख रहा है जहाँ पर और सारी मेंबर आईडियाँ दिख रही हैं वहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपका यहाँ पर एग्जिट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने डेट पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट कंप्लीट कर सकते हैं, रिजाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि 3 कंपनियाँ थी, अब यहाँ पर 4 कंपनियाँ शो हो रही हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने जो है बिल्कुल आसानी से अपने पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर ली। अब दोस्तों आप अपने पीएफ का फाइनल पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का या फिर पीएफ का। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।